आज ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिस्टर में एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन, उसकी ऑपरेशन अपन देख चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने करने के पहले थोड़ा सा ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की मैं इलेक्ट्रॉनिक सिंबल के बारे में देख लेता हूँ, बता देता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रांजिस्टर बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जिसमें थ्री टर्मिनल होते हैं, थ्री लेयर होता है और टू जंक्शंस होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर के इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बनाने का तरीका बता देता हूँ, खैर उसे मुझे ऑपरेशन के दौरान बता देना था, नहीं बताया तो भी नहीं भूलोगे। मैं आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए एक तरीका बता रहा हूँ मैं सिंबल बनाने का, ठीक है। कैसे बनाते हैं, ये इस टाइप से आपका तीन टर्मिनल बना देंगे, ठीक है। अब कहीं से भी एनपीएन है तो सपोज इसको मैं एन, मिडिल वाला ये है तो मिडिल तो बी रहेगा, और ये क्या है फिर से क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, एनपीएन हो जाएंगे, ठीक है। हमें अब इसके बाद फिर हमने तो रीजन को मार्किंग कर दिया कि सपोज ये एन है, ये पी है और ये क्या है, एन है। लेयर पता चल गया कि ये आउटसाइड वाला एन टाइप का होगा तो मिडिल पी होगा, एन पी एन। अब अपने तरफ से हम किसी को भी क्या मानते हैं, एक रीजन को ईमीटर मान लेते हैं, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड को ईमीटर मान लेता हूँ, तो मिडिल वाला तो हमेशा बेस्ट टर्मिनल होता है और आउटर वाला जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है, कलेक्टर होता है। ये ईमीटर होता है, ये बेस होता है और ये क्या होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है। इमीटर, बेस और कलेक्टर, या फिर ये हो गया। अब रही बात, अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ तो इट्स नॉट कंप्लीट सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। जब तक इस ट्रांजिस्टर में हम करंट के फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर मैं इसको इमीटर माना हूँ तो मिडिल वाला तो फिक्स है, बेस होता है, तो बचा वो क्या होगा, कलेक्टर, तो ये टर्मिनल कलेक्टर होंगे। अगर मैं इसको इमीटर मानता तो ये बेस होता और ये क्या हो जाता, कलेक्टर होता है, क्योंकि इमीटर और कलेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए सेम मटेरियल यूज़ करते हैं। बेस तो मिडिल का रहता है जो कि फिक्स रहता है और वो अपोजिट मटेरियल होता है, क्लियर हुआ। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में अपन, इसमें करेंट की डायरेक्शन है वो ऑलवेज इमीटर रीजन पर होगा। करेंट कहाँ पर होंगे, इमीटर रीजन पर होंगे। करेंट जो होगा वो हमेशा इमीटर रीजन पर होगा, और इमीटर रीजन पे जो करेंट है वो हमेशा इमीटर करेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और इमीटर जो करेंट जो होगा ये इमीटर रीजन होगा। अब इस इमीटर रीजन में करेंट है वो बाहर की ओर निकलते हुए भी हो सकता है, अंदर की ओर जाते हुए भी हो सकता है। तो ध्यान रखना कि करंट का डायरेक्शन ऑलवेज इमीटर पॉइंट पे ही रहेंगे, और ऑलवेज वो जो करंट है वो हमेशा एन रीजन को पॉइंट करेगा। तो ये इमीटर रीजन है, और ये इमीटर जो रीजन है उसमें एक करंट का डायरेक्शन पॉइंट आउट पॉइंट करेंगे, और वो करंट का डायरेक्शन हमेशा किस साइड को पॉइंट करेगा, एन टाइप के रीजन को। तो ये इमीटर हो गया, और इस इमीटर रीजन में एन किधर है, ये देखो एन इधर दिख रहा है क्योंकि ये तो पी है। तो हमेशा करंट का डायरेक्शन इमीटर करंट को शो करेगा, और हमेशा उसकी डायरेक्शन एन रीजन को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। तो ये इमीटर हो गया, और इमीटर में ये एन टाइप का रीजन हो गया, इस कारण ये करंट है वो क्या हो, इमीटर रीजन पे होंगे और बाहर की ओर निकलते हुए दिखेगा, ठीक है। सो इट इज इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल हो गया।
ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल हो गया, वैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर का देखते हैं अपन। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल ड्रॉ करने के लिए सेम हम प्रोसेस है, ऐसा तीन टर्मिनल निकाल देते हैं ट्रांजिस्टर के लिए। ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर का तीन टर्मिनल हो गया, ये आपका पी टाइप का रीजन है, तो मिडिल एन टाइप का बेस होगा और ये फिर आउटर पी टाइप का कलेक्टर होगा। अगर मैं इस पी टाइप के रीजन को इमीटर मान लेता हूँ आउटर को, तो मिडिल वाला क्या होगा, एन टाइप का बेस होगा और आउटर जो बचा वो क्या है, पी टाइप का कलेक्टर। आप चाहते हैं तो इसको इमीटर मान सकते हो, बीच वाला बेस तो फिक्स रहता है, बचा क्या होगा, कलेक्टर होगा। तो इमीटर और कलेक्टर वाले रीजन को आप किसी को भी मान सकते हो सिंबल बनाते समय, सिंबल के लिए बस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक इसके सिंबल में करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा इमीटर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और वह जो डायरेक्शन जो है वो इमीटर रीजन्स में होंगे। ये इमीटर रीजन है और इमीटर रीजन है तो इमीटर करंट के डायरेक्शन को शो करना है तो इसी में करना पड़ेगा। अब वो करंट है वो किधर पॉइंट करेगा, अंदर की ओर आएगा कि बाहर की ओर, उसको कैसे शो करना है, हमेशा इमीटर रीजन पे इमीटर करंट है वो एरो के द्वारा रिप्रेजेंट होगा और वह एरो हमेशा एन रीजन की ओर पॉइंट करेगा। तो ये एन रीजन है तो इधर की ओर ये क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो पी एन पी ये इमीटर करेंट का डायरेक्शन है और ये एरो हमेशा एन रीजन की ओर, अभी एन रीजन इधर है तो एरो का डायरेक्शन इधर रहेगा, अगर एन रीजन इधर रहता तो इधर रहता, क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पर इमीटर, ये इमीटर करेंट अंदर की ओर आते हुए दिख रहे हैं, तो ये यहाँ से बेस करेंट है वो बाहर जाते हुए दिखेगा और कलेक्टर करेंट भी बाहर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि आप सबको पता है मैं ट्रांजिस्टर ऑपरेशन में बताया हूँ कि आई ई जो होता है वो हमेशा आई बी और आई सी के सम का क्या होता है, इक्वल होता है। चाहे वो ट्रांजिस्टर पी एन पी हो, चाहे वो ट्रांजिस्टर एन पी एन हो, इमीटर जो करेंट होता है वो ऑलवेज बेस करेंट और कलेक्टर करेंट के सम का इक्वल होता है। तो आई ई इक्वल टू आई बी प्लस क्या हो जाएगा, आई सी। तो अगर इमीटर करेंट इनकमिंग है तो बाकी जो दो करेंट जो होगा वो क्या होगा, आउटगोइंग होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इमीटर करेंट बाहर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, तो बाकी दो करंट है वो क्या होगा, अंदर की ओर आएगा। तो बेस में जो करंट फ्लो होगा वो बेस करंट होंगे और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो क्या है, कलेक्टर करंट होगा। तो किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाला इमीटर जो करंट होता है, इमीटर करंट है वो हमेशा बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम का इक्वल होता है। तो आई ई इक्वल टू आई बी प्लस क्या हो जाएगा, आई सी। तो आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी हो जाएंगे। तो एन पी एन हो चाहे पी एन पी हो, हमेशा इमीटर जो करंट होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम का क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि एन पी एन ट्रांजिस्टर में एरो है वो इमीटर करंट की बाहर की ओर रहता है, और पी एन पी ट्रांजिस्टर में एरो जो है वो इमीटर करंट की जो एरो है वो हमेशा अंदर की ओर रहेगा, ठीक है। तो एरो हमेशा इमीटर करंट को पॉइंट करता है और हमेशा एन रीजन की ओर होता है, अगर सिंबल बनाएंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, ये पी एन पी का सिंबल है, ठीक है। तो चाहे एन पी एन ट्रांजिस्टर हो चाहे पी एन पी, हमेशा इमीटर जो करंट होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम का क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का कन्फिग्रेशन, ट्रांजिस्टर की कन्फिग्रेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन उसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ले चुका हूँ, आप सभी को पता है कि ट्रांजिस्टर जो होता है बेसिकली थ्री लेयर, थ्री टर्मिनल, टू जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है।
ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसको हम स्विचिंग एस वेल एस एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एक स्विच के साथ साथ हम उसको एक एम्पलीफायर की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वही क्या है? ट्रांजिस्टर। तो हमारे ट्रांजिस्टर में थ्री टर्मिनल होता है। ट्रांजिस्टर का थ्री टर्मिनल, एक इमीटर, मिडिल बेस, रिमेनिंग जो बचा टर्मिनल वो क्या होता है? कलेक्टर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इनपुट सिग्नल अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट दो टर्मिनल की आवश्यकता होती है। कम से कम दो टर्मिनल चाहिए कि नहीं, एक प्लस और एक माइनस के लिए। तो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करने के लिए हमें दो टर्मिनल की आवश्यकता होती है और आउटपुट सिग्नल प्राप्त करने के लिए भी एटलीस्ट दो सिग्नल, आउटपुट मतलब लोड। तो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करने के लिए हमें दो टर्मिनल की आवश्यकता होगी और आउटपुट सिग्नल को भी प्राप्त करने के लिए हमें दो टर्मिनल की आवश्यकता होगी। तो टोटल टोटल टर्मिनल की रिक्वायरमेंट कितना हुआ? चार। तो ये फोर टर्मिनल की जो रिक्वायरमेंट है, बट हमारे ट्रांजिस्टर के पास कितने टर्मिनल है? थ्री टर्मिनल। इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए हमें टोटल फोर टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होती है, बट ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। तो फोर टर्मिनल की रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को हम कॉमन टर्मिनल की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ट्रांजिस्टर बेसिकली एक थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्शन स्टेबलाइज करने के लिए, इनपुट सिग्नल अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट दो टर्मिनल चाहिए और आउटपुट सिग्नल को प्राप्त करने के लिए भी दो टर्मिनल चाहिए। तो इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए टोटल कितना टर्मिनल चाहिए? चार टर्मिनल। बट हमारा ट्रांजिस्टर है वो तो थ्री टर्मिनल डिवाइस है। तो ये फोर टर्मिनल की रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को हम क्या करते हैं? कॉमन टर्मिनल की तरह यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर के किसी टर्मिनल को हम कॉमन की तरह यूज करते हैं तो हमें टोटल तीन टाइप का क्या होता है? कनेक्शन फॉर्म होता है। टोटल तीन टाइप के हम कनेक्शन उसमें हम फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वही जो कनेक्शन जो है, ट्रांजिस्टर को यूज करने का जो तरीका जो है, वही क्या है? कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को यूज करने का, उसमें कनेक्शन स्टेबलाइज करने के तरीके के हिसाब से तीन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक बार तो हम उसको बेस को हम कॉमन यूज कर सकते हैं, एक बार हम उसके मीटर को यूज कर सकते हैं, एक बार हम कलेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो फोर टर्मिनल की रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को हम कॉमन टर्मिनल की तरह यूज करते हैं। वो कॉमन टर्मिनल की तरह यूज करने के बाद थ्री डिफरेंट सर्किट की फॉर्मेशन होता है, वही ट्रांजिस्टर की क्या कहलाती है? कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये कॉन्फ़िगरेशन एनपीएन के लिए भी बनता है, पीएनपी के लिए भी बनता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में बेस तो रहता ही है, कॉमन बेस हुआ। अगला क्या है? कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। थर्ड है आपका क्या हो जाएगा? कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन।
कोई भी ट्रांजिस्टर है वो तीन कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होता है। एक को कॉमन बेस बोलते हैं, दूसरा कॉमन इमीटर है, तीसरा क्या है, कॉमन कलेक्टर है। ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आया है, मैंने क्या बताया कि बेसिकली ट्रांजिस्टर थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। हमें एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को अप्लाई करने के लिए तीन टर्मिनल की आवश्यकता होती है, आउटपुट सिग्नल को भी प्राप्त करने के लिए तीन टर्मिनल की आवश्यकता होती है, तो टोटल फोर टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट ट्रांजिस्टर जो है वो थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। फोर टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को कॉमन टर्मिनल की तरह यूज़ करते हैं। तो ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को कॉमन टर्मिनल की तरह यूज़ करने की जो तरीके है वे है वही क्या कहलाता है, उसकी कन्फिग्रेशन। तो तीन तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी डिटेल स्टडी करेंगे हम कॉमन बेस के बारे में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर बेस जो यूज़ हुआ है बेसिकली ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल का ही नाम है। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे वो कब कहलाएगा, इफ द बेस टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, यदि ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, यदि ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन हो तो उस कॉन्फ़िगरेशन को ट्रांजिस्टर का क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये बेस जो टर्मिनल है वो इनपुट एस वेल एस आउटपुट दोनों में कॉमन की तरह यूज़ होता है, कॉमन टर्मिनल की तरह यूज़ होता है। मतलब दोनों साइड यूज़ करते हैं उसको, इनपुट की तरह भी यूज़ करते हैं और आउटपुट की तरह भी यूज़ करते हैं, तो वह कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, तो चलो हम इसका सर्किट बना देते हैं, फिर इसका थ्योरी तो और बताऊंगा ही। पहले इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बना देते हैं ट्रांजिस्टर का। तो ये है आपका बेस, बेस बीच में रहता ना, बीच में कॉमन रखने के लिए ही इसको ऐसा बना रहा हूँ मैं। ये मीटर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, कलेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अब भी कंप्लीट नहीं है, एरो शो करना पड़ेगा। एरो मैं अंदर की ओर जाते हुए शो कर, अंदर की ओर शो करूँगा तो पी एन पी होगा, बाहर की ओर निकलते शो करूँगा तो एन पी एन होगा। ये अंदर की ओर है तो ये पी एन पी है। ठीक है, अब चलो इसमें बाइसिंग कर देते हैं। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो पी टाइप का इमीटर है, एन टाइप का बेस है, और पी टाइप का कलेक्टर है। ठीक है, समझ में। हम यहाँ पे एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल दे देंगे, मान लिया जाए अगर इसको एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना, फिर इसके बाद बाइसिंग देंगे। ठीक है, तो पी टाइप की जो इमीटर है उसको बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे, और एन टाइप की बेस है उसको बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो ये प्लस और ये माइनस, और इमीटर और बेस के बीच है इस कारण इसको दे देंगे VEB। फिर इसके बाद एन टाइप का बेस है, ठीक, एन टाइप का बेस है उसको बैटरी के पॉजिटिव से। ठीक है, फिर उसके बाद पी टाइप का कलेक्टर है उसको बैटरी के निगेटिव, लोड भी कनेक्ट कर देते हैं। चलो एक ठो, ये तो अपन को कॉन्फ़िगरेशन बस बताना है खाली ऐसा। तो ये आपका एन टाइप के बेस को बैटरी पॉजिटिव से, और पी टाइप के कलेक्टर को बैटरी के निगेटिव से। वोल्टेज क्या है, VCB है। ठीक है, ये लोड है बोल सकते हो RN। ठीक, यहाँ पर एक्सटर्नल इनपुट रहेगा, ऐसा इनपुट एक्सटर्नल इनपुट। ठीक, यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज है VEB, एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज बायसिंग। ठीक है, ये एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स है, वो इमीटर और बेस जंक्शन को क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में रखेगा,
क्योंकि यहाँ हम पी टाइप के इमिटर रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं और एन टाइप के बेस रीजन को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये इमिटर और बेस जो जंक्शन जो रहता है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। इमिटर बेस जंक्शन का फॉरवर्ड बायस्ड है, यहाँ पर मतलब इनपुट टर्मिनल है वो क्या है, एक्सटर्नल इनपुट यहाँ से देंगे, एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को यहाँ से देंगे, आउटपुट सिग्नल को हम यहाँ से लेंगे, आउटपुट सिग्नल को, ठीक है। फिर ये पी टाइप का कलेक्टर रीजन है, पी टाइप के कलेक्टर रीजन को बैटरी के निगेटिव से, एन टाइप के बेस रीजन को बैटरी पॉजिटिव से देते हैं, तो कलेक्टर टू बेस रीजन क्या हो जाता है, हाईली रिवर्स होता है। जैसा कि मैंने ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में बताया ही था कि ध्यान ये रहे कि आउटपुट में अप्लाइड जो वोल्टेज की वैल्यू इतना सफिशियंट होना चाहिए कि वो आउटपुट जो रीजन है उसको क्या कर सके, हाईली रिवर्स कर सके, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट है, एक्सटर्नल लोड रजिस्टर है आरएल। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, बैटरी की पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से ऐसा एक करेंट का फ्लो होगा और ऐसे आएंगे, ये करेंट क्या कहलाएगा, इमीटर करेंट कहलाएगा। फिर ये इमीटर करेंट आकर इस जंक्शन में दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब इमीटर करेंट अंदर की ओर आ रहा है तो बाकी जो करेंट है वो क्या होंगे, बाहर की ओर आएंगे। तो यहाँ से एक बेस करंट आउटगोइंग होगा, फिर एक बेस करंट आउटगोइंग होंगे तो यहाँ से एक कलेक्टर करंट भी क्या होगा, आउटगोइंग होगा, ठीक है। तो अगर इमीटर इनकमिंग है तो बेस और कलेक्टर दोनों क्या रहेगा, आउटगोइंग रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्किट बन गया है। मैंने क्या बताया कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में सर्किट का बेस टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होने के कारण ही उस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, क्लियर हुआ। सर्किट में क्या होता है, एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को हम इमीटर और बेस के बीच से अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को इमीटर और बेस के बीच से अप्लाई करते हैं, और आउटपुट जो सिग्नल है उसको हम बेस और कलेक्टर के बीच से प्राप्त करते हैं। आउटपुट जो सिग्नल है उसको हम कलेक्टर और बेस के बीच से प्राप्त करते हैं। इफ एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड फ्रॉम बिटवीन इमीटर एंड बेस रीजन, बिटवीन दिस इमीटर एंड बेस टर्मिनल, एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल, हियर दिस बेस टर्मिनल इज कॉमन फॉर बोथ एंड इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पर बेस जो टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होने के कारण ही इस कन्फिग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। सर्किट देख सकते हैं, एक्सटर्नल इनपुट को इमीटर और बेस के बीच से हम अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट सिग्नल को बेस और हम कलेक्टर के बीच से ले रहे हैं। तो बेस जो टर्मिनल होता है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है, इस कारण इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, क्लियर हुआ सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे ही हम इसमें इमिटर और बेस के बीच एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाई जो करते हैं उसके कारण इसके इमिटर रीजन पर एक करेंट का फ्लो होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट से एक करंट का फ्लो होता है जिसको इमिटर करंट बोलते हैं। यह इंटरड इमिटर करंट है वो बेस के प्रेजेंट के कैरियर के साथ क्या करता है, कुछ अमाउंट में रिकॉम्बिनेशन करता है, और रिकॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पर एक क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट में बेस का करेंट का फ्लो होता है, ठीक है। फिर रिमेनिंग जो एंटर्ड जो कैरियर है फ्रॉम इमिटर रीजन इज इंटर्ड टू द कलेक्टर रीजन, इमिटर रीजन से बेस में आएगा, फिर बेस से कहाँ जाता है, कलेक्टर रीजन। तो कलेक्टर रीजन में कैरियर के मूवमेंट के कारण एक कलेक्टर करेंट का फ्लो होता है, उसको हम कलेक्टर करेंट बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कलेक्टर जो रीजन है, कलेक्टर जो टर्मिनल है वो आउटपुट टर्मिनल है, और इस आउटपुट टर्मिनल में जिस करेंट का फ्लो होता है वो आउटपुट कलेक्टर करेंट कहलाएगा, और इसके इनपुट में जिस करेंट का फ्लो होगा वो इनपुट इमीटर करेंट 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 है, ठीक
ठीक है, तो अगर मैं इसकी एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालूं, तो करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज अल्फा, अल्फा इक्वल टू इट इज़ अ रेशियो ऑफ करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कॉमन बेस में हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा इक्वल टू होता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ आउटपुट करेंट टू दी इनपुट करेंट। सर्किट में देख सकते हो कलेक्टर करंट है वो आउटपुट करंट है, सर्किट में इनपुट जो करंट है वो तो इमीटर करंट है, बेस तो कॉमन है तो आउटपुट ये होगा और इनपुट ये होंगे, तो आउटपुट करंट आईसी डिवाइडेड बाय इनपुट करंट आईई, तो आईसी बाय आईई को ही हम क्या बोलते हैं अल्फा, और अल्फा क्या है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, एंड अल्फा इक्वल टू आईसी बाय क्या होता है आईई, या फिर क्या बोल सकते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करेंट डेल आईसी डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करेंट डेल आईई कीपिंग कलेक्टर टू बेस वोल्टेज ऐसे कॉन्स्टेंट। ठीक है, समझ में आए, तो अल्फा को भी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, जब भी एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा इसका मतलब क्या है आउटपुट अपॉन इनपुट, और करंट का बोला है तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, इस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट कलेक्टर करंट है, इनपुट करंट इमीटर करंट है, तो आई सी अपॉन आई ई होगा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल आई ई कीपिंग कलेक्टर टू बेस आउटपुट वोल्टेज ऐसे कॉन्स्टेंट। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को कॉन्स्टेंट क्यों लिया है, अगर मैं यहाँ पर इस कलेक्टर टू बेस वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करूँ तो इस कलेक्टर और बेस वोल्टेज के वेरिएशन के वजह से यहाँ पर आउटपुट में वेरिएशन हो सकता है, इस कारण इसको कॉन्स्टेंट रखते हुए, तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को कॉन्स्टेंट मेंटेन रखते हुए अगर चेंज इन कलेक्टर करंट टू दी चेंज इन इमीटर करंट का रेशियो बनाए तो वही क्या कहलाएगा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ, तो एक्चुअल में क्या होता है ये हो गया करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा, अल्फा इक्वल टू आई सी अपन आई, याद रखेंगे हम इन एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल इमीटर और बेस के बीच से दे रहे हैं, आउटपुट सिग्नल को बेस और कलेक्टर के बीच से ले रहे हैं, इमीटर बेस इनपुट की तरह, बेस और कलेक्टर आउटपुट की तरह, बेस टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं कॉमन बेस कन्फिग्रेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ, अब इस कन्फिग जैसे ही आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हो इसके कारण एक इमीटर करेंट का फ्लो होता है, कुछ अमाउंट में यहाँ पर बेस करंट के फ्लो होंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर कलेक्टर करंट का फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर और बेस जो जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस्ड होता है, हाईली रिवर्स बायस्ड होने के कारण इसमें कलेक्टर तो करंट का फ्लो होता है, एम्पलीफाइड कलेक्टर करंट तो फ्लो होता ही है, एम्पलीफाइड कलेक्टर करंट फ्लो होने के साथ साथ इस अप्लाइड रिवर्स बायस्ड वोल्टेज के कारण स्मॉल अमाउंट में एक लीकेज करंट का भी फ्लो होता है, क्योंकि सबको पता ही होगा कि रिवर्स बायस्ड कंडीशन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण एक स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट को हम क्या बोलते हैं लीकेज करंट बोलते हैं। ठीक है, तो कलेक्टर बेस जंक्शन पर इस रिवर्स बायस्ड वोल्टेज के कारण स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट को क्या बोलते हैं हम लीकेज करंट बोलते हैं। तो फाइनली हो क्या रहा है इस कलेक्टर रीजन पर इस इनपुट के कारण एम्पलीफाइड कलेक्टर करंट भी मिल रहा है, और साथ साथ इस अप्लाइड रिवर्स बायसिंग वोल्टेज के कारण भी इसमें स्मॉल अमाउंट में क्या हो रहा है एक लीकेज करंट का भी फ्लो हो रहा है। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि आउटपुट कलेक्टर करें
आउटपुट जो कलेक्टर करंट है, इस आउटपुट कलेक्टर करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एट कलेक्टर रीजन, आप लोग पूरा लिखा करो, एट कलेक्टर रीजन आईसी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से आईसी का वैल्यू अल्फा इंटू आई क्या होगा, ये इनपुट के कारण जो आउटपुट में कलेक्टर करंट का फ्लो होगा वो है, प्लस उसमें एक रिवर्स बायस्ड वोल्टेज के कारण भी स्मॉल अमाउंट में करंट का फ्लो हो रहा है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, आईसी लीकेज करंट मतलब कलेक्टर लीकेज करंट। अगर मैं इसको एक नंबर का इक्वेशन दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, दो नंबर के। तो फाइनली इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट जो कलेक्टर करंट है वो इनपुट के कारण जो एम्पलीफाइड करंट मिलेगा वो, प्लस उस रिवर्स बायस्ड जंक्शन के कारण उसमें फ्लो होने वाला एक लीकेज करंट, आईसी लीकेज करंट। क्लियर हुआ? तो ये होगा, तो इन दोनों का सम ही यहाँ पर कलेक्टर करंट कलेक्टर रीजन में कलेक्टर करंट के फॉर्म में फ्लो होगा। ठीक है, तो ये रहा अपन का कलेक्टर करंट का इक्वेशन। मान लिया जाए किसी सर्टेन कंडीशन में इस इमीटर और बेस रीजन को हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। इमीटर और बेस रीजन को क्या करते हैं, ओपन सर्किटेड कर देते हैं। दैट मीन्स इन दोनों टर्मिनल के बीच अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज को क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने से इस बैटरी के कारण जो भी वोल्टेज फ्लो हो रहा है इस इमीटर रीजन में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होंगे, और इसके कारण इस बेस में भी करंट का फ्लो नहीं होगा, और इस बैटरी के कारण यहाँ पर कोई आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो नहीं होंगे। इफ इनपुट टर्मिनल और इनपुट पोर्ट इमीटर टू बोस बेस इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किटेड, देन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट इज फ्लोइंग इन कलेक्टर टू बेस रीजन ड्यू टू अप्लाइड दिस एक्सटर्नल रिवर्स बायसिंग वोल्टेज। क्लियर हुआ? तो इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट से रिप्लेस करने के बावजूद भी आउटपुट में एक स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करेंट का फ्लो होता है, उस फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करेंट को हम कलेक्टर टू बेस लीकेज करेंट बोलते हैं। उस करेंट को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट बोलते हैं। और वो कलेक्टर टू बेस लीकेज जो करंट है वो आईसी लीकेज है, तो आईसी लीकेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईसीबी कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन इनपुट इज ओपन सर्किट है। फाइनली दिस आईसी लीकेज करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आईसीबीओ। कैसे लिखना है, मान लिया जाए ट्रांजिस्टर के इनपुट को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, तो इनपुट को ओपन सर्किट से रिप्लेस करने के बावजूद भी आउटपुट कलेक्टर बेस रीजन पर एक स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, वह फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल करंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है, वह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होने वाले करंट को हम कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट बोलते हैं व्हेन इनपुट इज ओपन सर्किटेड। फाइनली दिस आई लीकेज करेंट आईसी लीकेज इज रिप्रेजेंटेड बाई आई सी बी ओ। फाइनली इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर टू में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू से हम क्या करेंगे, आई सी इक्वल टू अल्फा इंटू आई ई प्लस क्या हो जाएगा, ये आई सी बी ओ हो जाएगा। ठीक है, तो आई सी इक्वल टू अल्फा इंटू आई ई प्लस आई सी बी ओ। हियर आई सी बी ओ इज वन कलेक्टर टू बेस लीकेज करेंट वेन इनपुट इज ओपन सर्किटेड। जब हम इनपुट को ओपन करेंगे तो आउटपुट में जो करेंट का फ्लो होगा वह फ्लोइंग करेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रिवर्स बायसिंग वोल्टेज के कारण होंगे। तो आई सी इक्वल टू अल्फा इंटू आई ई प्लस आई सी बी ओ हो जाएगा। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो इक्वेशन नंबर थ्री में वी नो दैट फ्रॉम रिलेशन ऑफ इमीटर करेंट बेस करेंट एंड कलेक्टर करेंट। ठीक है, हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देना, वी नो दैट दैट द इमीटर करेंट इज
समेशन ऑफ बेस एंड कलेक्टर करें। तो कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसमें इमीटर जो करंट होता है वो हमेशा उसमें फ्लो होने वाला बेस करंट और उसमें फ्लोइंग कलेक्टर करंट के सम का इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन को फ्रॉम उसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आई ई इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री में पुट कर दो। तो इक्वेशन थ्री में क्या है, यहाँ पर आई सी है, यहाँ पर क्या था अल्फा आई ई, आई ई के जगह हम क्या रखेंगे आई बी प्लस आई सी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आई सी बी ओ, ये लीकेज करंट है। इसको ओपन कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर दो अल्फा आई बी प्लस क्या हो जाएगा अल्फा आई सी प्लस क्या हो जाएगा आई सी बी ओ, और ये क्या हो जाएगा आई सी। ये आई सी को एक तरफ ले आओ, इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो आई सी माइनस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू आई सी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू आई बी प्लस हो जाएगा ये आई सी बी ओ हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इन दोनों में आई सी कॉमन, तो आई सी कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा वन माइनस अल्फा, इधर क्या बचेगा अल्फा इंटू आई बी प्लस हो जाएगा ये आई सी बी ओ हो जाएगा। ये वन माइनस अल्फा का डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा ये आई सी, आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा ये आई बी प्लस हो जाएगा ये आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा। तो ये जो है वो एक्चुअल में आउटपुट कलेक्टर करेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, जहाँ पर आई सी जो है आउटपुट कलेक्टर करेंट है, अल्फा कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के केस में करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, आई बी जो होता है वो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के केस में बेस करेंट है, आई सी बी ओ है वो कलेक्टर टू बेस जंक्शन पे फ्लो होने वाला रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करेंट है, जो कि इनपुट को ओपन सर्किट से रिप्लेस करने से फ्लो हो रहा है। तो जब भी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आएंगे तो एटलीस्ट इस आईसी की एक्सप्रेशन को आपको निकालना है। सो दिस इज डिजायर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट कलेक्टर करेंट इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। जिसको भी कहीं पर भी डाउट हो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वीडियो एक बार देखो, दो बार देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को समझ में आता है, अच्छा लगता है, अगर मैं लायक बनाया हूँ तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक दूसरे को शेयर करो दोस्तों को। थैंक यू।